दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है लोटून कबूतर चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना ब्रीडिंग सेटअप पटियालों का। तो ये तो है हमारे पटियाले, इन सब के जोड़े डाल रखे हैं और अब इनका मैं ब्रीडिंग सेटअप दिखाऊंगा कैसा है। और मैंने इन्हें दाना दे रखा है दवाई का, दवाई कुछ ही नहीं है, बस विमरोल है और एक येलो कलर का पैकेट आता है, उसका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। कबूतर में जो भी इन्फेक्शन वगैरह हो किसी भी प्रकार का और कुछ भी हो इनके शरीर के अंदर, या खाना नहीं खा रहा, या हवा में है, या आने के लक्षण है हवा में, उन सबको ये ठीक करती है। क्योंकि ब्रीडिंग वालों को तो ये देना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, ये दाना काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, दाना फिर लगा भी लेते हैं तो ये दानों को हजम कर देते हैं। ये जो दवाई है विमरोल, ये दानों को हजम कर देती है और इसके अंदर ये सारी विटामिन होती हैं। कबूतर अच्छा रहता है, दाना भी अच्छे से खाता है और एक्टिव पूरा रहता है। देखिए जिस प्रकार से सारे कबूतर दाना खा रहे हैं। तो महीने में मैं 2 बार दे देता हूँ कबूतरों को अपने, ये ब्रीडिंग वालों को। तो आप भी देना चाहो तो आप भी दे सकते हैं, दाने में मिला के दे सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ ब्रीडिंग सेटअप। ये जितने भी हमारे ये कबूतर हैं, इन सब ने अंडे धर दिए हैं। तो और वो जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इनको हमने अलग ही रख रखा है इनको, और ये हमारी नज़र के कबूतर हैं, अच्छे कबूतर हैं, सुंदर कबूतर हैं और देखे हुए। और इनके पट्ठे भी हमने आपको दिखाई दिए कैसे उड़ते हैं, चीची करते हुए पट्ठे लड़ते हैं बिल्कुल ही। और वो दिखाता हूँ ब्रीडिंग सेटअप कैसा होना चाहिए। ये देखिए हमारा ब्रीडिंग सेटअप है। तो इसके अंदर भी देखो दोस्तों, एक अंडा है और एक अंडा पता नहीं कहाँ चला गया, समझ ही नहीं आ रहा है फूट गया है क्या हुआ। तो एक इसमें एक अंडा है और 2 अंडे देखिए इसमें रखे हैं। ये हमारी लाल कबूतरी, जो लाल पट्टे निकलते हैं उसके बाद उसके अंडे हैं ये देखिए। और तीसरा ये है, चौथा ये है और इसी के ऊपर एक ही वाला। तो इन सब में भाई अंडे हैं हमारा कबूतरों के, ब्रीडिंग पेयर के। तो ये अच्छी नस्ल के कबूतरों के हमने जोड़े डाल रखे हैं जो हमारे यहाँ उड़ते हुए थे। तो सभी ये दाना खाने लग रहे हैं क्योंकि कल खुले थे, अब सीधा कल ही खुलेंगे। एक टाइम दाना देते हैं, ज़्यादा नहीं देते, एक बार में पेट भर लेंगे। बस पानी पिलाने के लिए बाहर निकालते हैं रात को, शाम के टाइम मतलब, उसके बाद नहीं। ये देखिए लाल ऊपर उड़ा रहे थे हम, तो बीमार हो रहा था थोड़ा। दाने किसी ने इतना तगड़ा खोल लगा रखा था इस कबूतर पे। कबूतर बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा कबूतर, लाजवाब जिसे कहते हैं। खोल इतना तगड़ा लगाया हुआ था कि कबूतर की हड्डियां तक नहीं भर पा रही थी। दाना बहुत खाता था फिर भी थोड़ा ढीला हो जाता था। अभी इसे दवाई वगैरह दी है तो ठीक है, और गुटक पे भी आ गया है, गुटकता भी बहुत है अब। और ये वाली कबूतरी ऊपर उड़ा रहे थे पटियाली की, थोड़ी नीचे नीचे उड़ती है इसलिए हमने इसे वापस नीचे ही ले लिया। और ये अपना एक कबूतर लेकर आए थे ये किसी से, पिलका। और ये तो हमारी है, ये तो हमारा कबूतर ही है, ये भी हम चौक से ही लेकर आए थे, ललपोटिया। देख रहे हैं ना आप इसकी खूबसूरती, इसी का पट्ठा है जो ऊपर उड़ रहा है जरद। और ये इसकी मादी ने, ये री दुम चिड़ी सी, दुम चीरा कबूतर है, मैदुम टाइप की बनी हुई है। कबूतर सारे सोलिड हैं, वो बढ़िया कबूतर हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।